शहर के भगत चौराहा स्थित श्री चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में शुक्रवार को एक दिवसीय निःशुल्क स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। शुक्रवार सुबह 10 बजे से शुरू हुए शिविर का शुभारंभ भगवान धन्वंतरी के चित्र पर माल्यार्पण कर तथा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पारस चौहान ने बताया कि शिविर के दौरान 0 से 5 वर्ष तक के 53 बच्चों को निःशुल्क स्वर्ण प्राशन संस्कार आयुर्वेद की मंत्रोषधि से करवाया गया। शिविर में बड़ी संख्या में अभिभावक अपने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के साथ पहुंचे तथा अपने बच्चों का स्वर्ण प्राशन संस्कार करवाया। आंचल प्रसूता केंद्र प्रभारी डॉक्टर नेहा सोनी के अनुसार यह एक इम्यूनिटी बूस्टर डोज है जिससे बच्चों की बौद्धिक क्षमता, ताकत, एकाग्रता, पाचन शक्ति, सर्वांगीण विकास, सीखने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और महामारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। यह विशेष डोज बच्चों को उम्र एवं वजन के अनुसार दी जाती है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पारस चौहान ने बताया कि आयुष विभाग राजस्थान सरकार द्वारा इस चिकित्सालय में संचालित महत्वाकांक्षी योजना आंचल प्रसूता योजना अंतर्गत बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद का मंत्रोषधि स्वर्ण प्राशन विभाग द्वारा इस चिकित्सालय में आपूर्ति की गई है। डॉक्टर चौहान ने बताया कि बच्चों को रोगों से बचाव के लिए निःशुल्क स्वर्ण प्राशन प्रति माह पुष्य नक्षत्र में कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति के मुताबिक 16 संस्कारों में पहला संस्कार स्वर्ण प्राशन संस्कार होता है। शुक्रवार को आयोजित एक दिवसीय शिविर में डॉक्टर आशीष सोनी के निर्देशन में चिकित्सालय स्टाफ रवि रघुवंशी, हुकम सिंह, रविंद्र सिंह चौहान, हिमांशु शर्मा, धर्मी चंद रेगर तथा कौशल्या देवी आदि ने अपनी सेवाएं दी। 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन संस्कार शुरू करवाया गया। इसमें स्वर्ण प्राशन के लिए 4 औषधियों से निर्मित स्वर्ण प्राशन की अपने पास ड्रॉप है, उसमें स्वर्ण है, साथ में उसमें शहद है और तीसरा अपने रक्त है और चौथी दवाई इसमें उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए साथ में ब्रह्मी है। इन 4 औषधियों से मिश्रित ये स्वर्ण प्राशन ड्रॉप है जो अपन 0 से 5 साल तक के बच्चे को उनकी उम्र और उनके वेट के अनुसार अपन उनको ड्रॉप पिला रहे हैं और प्रति माह को पुष्य नक्षत्र को प्रति माह पुष्य नक्षत्र के लिए ये 20% संस्कार करवाया जाएगा और प्रत्येक बच्चे को अपने 12 माह तक 20% संस्कार करवाया जाएगा। इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने के लिए उनको नेचुरल इम्यूनिटी के साथ साथ उनकी इम्यूनिटी में व्याधि क्षमता में विकास होता है जो उनको अन्य रोगों से लड़ने में मदद प्रदान करता है। साथ ही साथ इसको लेने से कई बीमारियां दूर होती हैं, उनकी भूख पाचन से संबंधित बीमारियां हैं वो भी दूर होती हैं, अच्छी भूख लगती है, उनका शारीरिक विकास अच्छा होता है। ये अपने प्राचीन काल से स्वर्ण प्राशन संस्कार करवाया जाता है बच्चों को, अब ये राज्य सरकार ने आंचल प्रसूता केंद्रों पर इस योजना को शुरू किया। हमारे यहाँ आंचल प्रसूता केंद्र प्रभारी डॉक्टर नेहा सोनी जी हैं, उनके दिशा निर्देशन में ये स्वर्ण प्राशन संस्कार कार्यक्रम शुरू किया गया जो निरंतर चलता रहेगा और बच्चों के लिए अपने ब्यावर क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करने के लिए आपके द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया जाए ताकि प्रत्येक पुष्य नक्षत्र को ये कार्यक्रम अच्छे से चलता रहे और इसमें आगे हम नेक्स्ट पुष्य नक्षत्र की जो डेट वो डेट साथ में बताते जा रहे हैं ताकि उस दिन वो वापस आ सके और हमारे यहाँ उनके नंबर लिए जा रहे हैं, उनको कॉल करके भी बताया जा रहा है और आगे से आगे पता भी चलेगा।